good morning students welcome in political science class we are doing chapter 2 rights in the indian constitution and in our last class we have done right to equality and right against exploitation today we will do right to freedom so let's start class. Equality and freedom or liberty are the two rights that are most essential to a democracy. Okay. In a democracy, two rights are most essential. One is equality, which we have seen in our uh, last class, and the other is Freedom or liberty? It is not possible to think of the one without thinking of the other. Means without equality, we cannot think about freedom, and without freedom, there cannot be equality in the society. Liberty means Freedom of thought, expression, and action. Liberty means freedom of thought, expression, and action. However, it does not mean freedom to do anything that one desires or likes. If that were to be permitted, then a large number of people will not be able to enjoy their freedom therefore freedoms are defined in such a manner that every person will enjoy her freedom without threatening freedom of others and without endangering the law and order situation so what we have seen we have seen that freedom does not mean that anyone can do एनीथिंग ऑफ or और desire। कोई भी व्यक्ति फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि कोई अपने मन का कोई भी काम करने के लिए फ्री है क्योंकि अगर फ्रीडम को इसी तरह से डिफाइन किया जाए तो फिर बहुत सारे लोग सोसाइटी में वो अपने इस राइट को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे इसका मतलब ये कि हमें अपने राइट्स को हमें अपने फ्रीडम के राइट्स को इस तरह से यूज़ करना है इस तरह से इस्तेमाल करना है कि दूसरे का फ्रीडम ऑफ राइट कर्टल ना हो दूसरा भी अपने राइट टू तो फ्रीडम को इन्जॉय कर सके और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर उसके लिए भी कोई ख़तरा ना हो उसके लिए भी कोई नुकसान ना हो मीन्स अगर हम अपने फ्रीडम का इस्तेमाल अपने राइट टू फ्रीडम का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कोई लॉ एंड ऑर्डर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए राइट टू फ्रीडम इज गिवन इन आर्टिकल ट्वेंटी वन विच सेज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट according to procedure established by law so in our constitution article 21 refers right to freedom now we will see right to life and personal liberty the for, foremost right among rights to freedom is the right to life and personal liberty राइट टू फ्रीडम में जो सबसे पहला राइट right है वह है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जीने का अधिकार नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर लेट डाउन अंडर द लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जीने के अधिकार को ख़त्म नहीं किया जा सकता रोका नहीं जा सकता सिवाय अगर कोई ऐसा प्रोसीज़र लॉ के द्वारा बनाया गया हो तो मतलब अगर सिर्फ़ लॉ के द्वारा कोई ऐसा प्रोसीज़र बनाया गया है तभी सिर्फ़ हम किसी व्यक्ति के राइट टू लाइफ को कटल कर सकते हैं अदरवाइज़ किसी के अंदर ये पावर नहीं है कि वो दूसरे के राइट टू लाइफ को कटल कर सके सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड हिज हर पर्सनल लिबर्टी साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा उसको डिनाई नहीं किया जाएगा मतलब किसी की पर्सनल लिबर्टी को कटल नहीं किया जाएगा That means, no one can be arrested without being told the ground of such an arrest. इसका मतलब सीधा सा मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो उसे उस अरेस्ट का ग्राउंड बताना होगा किस ग्राउंड पर किस लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है ये ग्राउंड उसे बताना बहुत ज़रूरी है इफ अरेस्टेड द पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाई अ लॉयर और ऑफिस चॉइस और अगर किसी की क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बींग टोल्ड और नो वन कैन बी डिनाइड हिज और हर पर्सनल लिबर्टी और ऐसे में अगर किसी को अरेस्ट किया भी जाता है तो उसके पास ये पूरा अधिकार है कि वह अपने आप को डिफेंड कर सकता है थ्रू लॉयर ऑफ इस चॉइस अपनी पसंद के किसी लॉयर के थ्रू इट इज मैंडेटरी फॉर द पीपल फॉर द पुलिस टू टेक दैट पर्सन टू द दियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स द मजिस्ट्रेट हु इज नॉट पार्ट ऑफ द पुलिस विल डिसाइड वेदर द अरेस्ट इज जस्टिफाइड और नॉट और किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को इतना ध्यान में रखा गया है कि उसके लिए ये प्रोविज़न बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट किया भी जाता है तो चौबीस घंटे के अंदर विद इन ट्वेंटी फ़ोर आवर्स पुलिस टेक द पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास विद इन ट्वेंटी फ़ोर आवर्स ये पुलिस के लिए मैंडेट्री है कि वो उस अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने विद इन ट्वेंटी फोर आवर प्रेजेंट करें और मजिस्ट्रेट जो कि पुलिस का पार्ट नहीं है वो जुडिशरी का पार्ट है वो डिसाइड करेगा कि अरेस्टेड पर्सन जो है उसका अरेस्ट जस्टिफाइड है या नहीं है उसे अरेस्ट किया जाना था या नहीं किया जाना है ये मजिस्ट्रेट डिसाइड किया, करेगा दिस राइट इज नॉट just confined to a guarantee against taking away of an individual's life, but has wider application. various judgments of supreme court have expanded the scope of this right. the supreme court has ruled that this right also includes right to life with human dignity. article 21 सिर्फ इस बात की गारंटी ही नहीं देता कि किसी के इंडिविजुअल लाइफ को कटल नहीं किया कटल नहीं किया जाएगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका बहुत वाइडर स्कोप uh, बताया है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट दिस राइट आल्सो इंक्लूड्स राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी फ्री फ्राम एक्सप्लाइटेशन राइट टू लाइफ में किसी भी पर्सन का सम्मान से जीने का अधिकार भी शामिल है विदाउट एनी एक्सप्ल एक्सप्लॉटेशन फ्री फ्राम एक्सप्लोटेशन मीन्स राइट टू राइट टू फ्रीडम ऑल्सो इन्क्लूड राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी अगर हमें लाइफ मिली है इसका मतलब ये नहीं कि हमें जैसे तैसे ह्यूमन डिग्निटी के साथ हमें जीने का अधिकार होना चाहिए और फ्री फ्रॉम एक्सप्लाटेशन द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर एंड लिवलीहुड इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग दैट इज़ द मीन्स ऑफ लिवलीहुड कोर्ट ने अपने वाइडर स्कोप में अपने एक्सप्लेनेशन में यह भी बताया कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीने का अधिकार ही नहीं बल्कि सम्मान से जीने का अधिकार है फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन लाइफ जो है फ्री फ्रॉम एक्सप्लाइटेशन होनी चाहिए साथ ही साथ हमें राइट टू शेल्टर मतलब राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड जिसको आप कह सकते हो रोटी कपड़ा और मकान इसके अधिकार की भी बात करता है क्योंकि इसके बिना एक व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता विदाउट लिवलीहुड कोई भी व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता नाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डिनरली अ पर्सन अ पर्सन वुड बी अरेस्टेड after he or she has reportedly committed some offence. Generally क्या होता है कि एक person arrest तब किया जाता है जब उसके खिलाफ ये report हो कि उसने किसी तरह का offence किया है However, there are exceptions to this. Sometimes A person can be arrested simply out of an apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activity and imprison for some time without following the above mentioned procedure. Now, now we are discussing preventive detention. Ordinary, humne kya dekha, generally, a person. को तभी अरेस्ट किया जाता है जब उसने कोई ऑफेंस किया हो लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोगों को भी अरेस्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है जिनके खिलाफ़ ये आशंका हो कि वो लॉ एंड ऑर्डर को हार्म पहुंचा सकते हैं या जिनके खिलाफ़ ये आशंका हो कि वो किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में इंगेज हैं और ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी अरेस्ट के प्रोसीजर को फॉलो किए हुए भी मतलब अरेस्ट का प्रोसीजर हमने क्या पढ़ा हमने अरेस्ट का प्रोसीजर पढ़ा कि अरेस्ट किए जाने वाले पर्सन को उसका रीज़न बताना ज़रूरी है कि वाई ही इज़ अरेस्टेड और ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर उसे किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ज़रूरी है लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर हम किसी को डिटेन कर रहे हैं हम किसी को अरेस्ट करते हैं पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो और कैसे व्यक्ति को अरेस्ट करती है जिसके खिलाफ़ इस बात की आशंका है कि वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या वो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को खतरा पहुंचा सकता है तो ऐसे व्यक्ति को बिना किसी अरेस्ट प्रोसीजर को फॉलो किए हुए भी उसे डिटेन किया जा सकता है एंड दिस इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन इट मीन्स दैट इफ़ द गवर्नमेंट फील्स दैट अ पर्सन कैन बी अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बन रहा है और टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन या फिर देश की शांति और सिक्योरिटी के लिए वो खतरा है इट कैन डिटेन और अरेस्ट दैट पर्सन तो गवर्नमेंट ऐसे व्यक्ति को या तो डिटेन कर सकती है या अरेस्ट कर सकती है दिस प्रिंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर थ्री मंथ और एक व्यक्ति को विदाउट अरेस्ट प्रोसीजर फॉलो किए हुए अगर प्रिवेंटि डिटेंशन में उसे डिटेन किया जाता है तो उसे सिर्फ तीन महीने तक के लिए ही डिटेन किया जा सकेगा आफ्टर थ्री मंथ सच अ केस इज़ ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू और तीन मंथ के बाद ऐसे केस को एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखा जाएगा अगर एडवाइजरी बोर्ड को लगता है कि इसे कुछ और दिन डिटेन रखना रखना चाहिए अभी सोसाइटी में में सिचुएशंस अकॉर्डिंग नहीं हुए हैं तो फिर उसका डिटेंशन थ्री मंथ के लिए और बढ़ाया जा सकता है ऑन द फेस ऑफ इट प्रिवेंटिव डिटेंशन लुक्स लाइक एन इफेक्टिव टूल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट टू डील विथ एंटी सोशल एलिमेंट्स और सबवर्सव एक उसमें तो लगता है, है कि प्रिवेंटि डिटेंशन गोवमेंट के हाथ में एक बहुत इफ़ेक्टिव टूल है जिससे कि गोर्मेंट एंटी सोशल एलिमेंट से निपट सकती है बट दिस प्रोविज़न हैज़ ऑफन बिन मिसयूज बाय द गमेंट लेकिन कई बार ये प्रिवेंटिव डिटेंशन गवर्नमेंट के थ्रू मिसयूज भी किया जाता है या किया जा सकता है मैनी पीपल थिंक दैट देर मस्ट बी ग्रेटर सेफ गार्डस इन दिस लॉ सो दैट इट मे नॉट बी मिसयूज अगेंस्ट पीपल फॉर रीजन अदर देन दैट विच आर रियली जस्टिफाइड इनफैक्ट देर इज़ अ क्लियर टेंशन बिटवीन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द प्रोविज़न फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन को कई बार गोवमेंट के थ्रू मिसयूज़ भी किया गया है इसलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा सेफ़ गार्डस होने चाहिए इस लॉ से रिलेटेड ताकि इसको मिसयूज़ नहीं किया जा सके नो अदर फ्रीडम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम देर आर सम अदर राइट्स एज वेल दीज राइट्स है आर नॉट एब्सोल्यूट राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत और भी बहुत सारे राइट्स हैं हालांकि वो राइट्स जो हैं वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं हैं ईच ऑफ दीज इज़ सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय द गमेंट ये सारे जो फ्रीडम हैं वो सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस हैं मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसमें एक लिमिट तक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर पीस एंड मोरालिटी जैसे दूसरे फ्रीडम में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उस पर गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है और रेस्ट्रिक्शन किस तरह का कि उसमें पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कि पब्लिक भड़क जाए और सोसाइटी uh, में लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर मोरालिटी के अगेंस्ट आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते इस तरह का रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है फ्रीडम टू असेंबल टू इज़ टू बी एक्सरसाइज पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स राइट टू फ्रीडम में फ्रीडम टू असेंबल भी है हम असेंबली फॉर्म कर सकते हैं हम एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि ये ये असेंबली पीसफुली कंडक्ट हो और उसमें कोई आर्म्स एमिनेशन लेकर ना शामिल हो द गवर्नमेंट में इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस इन सर्टन एरियाज डिक्लेयरिंग द असेंबली ऑफ फाइव और मोर पर्सन एज अनलॉफुल गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि पाँच से ज़्यादा लोगों के एक एक जगह इकट्ठा होने पर उसको अनलॉफुल भी डिक्लेयर किया जा सकता है सच पावर कैन बी ईजीली मिस यूज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन द जेनुन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एक्ट और पॉलिसी ऑफ गमेंट बाई द पीपल में बी डिनाइड ये वा ये राइट अगर इस तरह का रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगाती है कि पाँच से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते तो इस तरह के कार इस तरह से फ्रीडम ऑफ राइट को मिसयूज़ भी किया जा सकता है क्योंकि कई बार लोग गवर्मेंट की किसी पॉलिसी के खिलाफ जेनविनली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और वो प्रोटेस्ट ऐसे में नहीं कर पाएंगे हाइवर इफ़ द पीपल आर अवेयर एंड विजिलेंट इन रिगार्ड टू देयर राइट्स एंड चूज़ टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच एक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सच मिस यूज़ बिकम्स रेयर हालांकि अगर लोग अपने राइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं बहुत विजिलेंट हैं गवर्नमेंट के इस तरह के एक्ट से मिसयूज होने से बच सकते हैं मतलब वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने राइट को और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू मिसयूज होने से बच सकते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इट्सल्फ सम मेंबर्स हैड एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फेक्शन अबाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स now rights to rights of accused there is some rights given to accused person also because accused person are those person who are suspected for an offence but it is not proved and if it is not proved we can't say them as criminal

उस पर चार्जेस लगे हुए हैं उसे भी बहुत सारे प्रोटेक्शन सफिशेंट प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइडेड हैं वी ऑफ़न टेंट टू बिलीव दैट एनी वन हुई इज चार्ज विद ऑफेंस इज़ गिल्टी हम जनरली ये मानते हैं कि अगर किसी पर किसी तरह किसी ऑफेंस का चार्ज लगा हुआ है तो वो दोषी होगा हाइवर नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज़ फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस लेकिन सिर्फ किसी पर्सन पे किसी ऑफेंस का चार्ज लगने से ही वो गिल्टी नहीं हो जाता वो गिल्टी तब होता है जब कोर्ट प्रूव कर देती है कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है मैटर कि वो किसी ऑफेंस का गिल्टी है इट इज़ नेसेसरी दैट अ पर्सन एक्यूज ऑफ एनी क्राइम शड गेट एडिकुएट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हेमसेल्फ और हर सेल्फ और इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि कोई अकूज जिस पर किसी क्राइम का चार्ज लगा हुआ है उसको वो पूरी ऑपरचुनिटी मिले कि वह अपना अपने आप को डिफेंड कर सकें टू इंश्योर अ फेयर ट्रायल इन कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड थ्री राइट्स और फेयर ट्रायल होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने थ्री राइट्स प्रोवाइड किए हैं ये थ्री राइट्स हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज डबल जियो पार्टी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन फर्स्ट है पोस्ट फैक्टो लॉ नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस सॉरी दिस इज़ डबल जियो पार्टी नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस कोई भी व्यक्ति एक ही ऑफेंस के लिए दो बार पनिश नहीं किया जाएगा दैट इज़ रूल ऑफ डबल जियो पार्टी एक ही पर्सन एक पर्सन किसी एक ही ऑफेंस के लिए दो बार पनिश नहीं किया जाएगा सपोज इफ़ अ पर्सन इस चार्ज विद विद मर्डर ऑफ एक्स एंड बाद में पता चलता है एक बार उसको पनिशमेंट मिल गई और बाद में उसको पता चलता है कि वो जिसके पनिशमेंट के लिए उसने अपनी सज़ा काटी है वो एक्स तो भी जिंदा है और अगर वो उस एक्स को दोबारा मार देता है तो फिर क्योंकि वो पहली बार एक्स को मारने की सज़ा भुगत चुका है दोबारा फिर उसी व्यक्ति को मारने के लिए उसको फिर पनिशमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि उसके मर्डर का जो पनिशमेंट है वो पहले ही पूरा कर चुका है सो नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस

उस एक्ट को अगर किसी लॉ के थ्रू इलीगल बना दिया गया तो एक हफ्ते पहले किया हुआ वो एक्ट उस लॉ के तहत पनिशेबल नहीं होगा क्योंकि जिस दिन वो एक्ट हुआ था उस दिन ऐसा कोई लॉ नहीं था इसलिए कोई भी लॉ बैक डेट से इम्प्लीमेंट नहीं होगा

कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है तो वो उसके खिलाफ एविडेंस में यूज़ नहीं होगा ऐसा क्यों क्योंकि अगर ये लॉ नहीं बनाया जाएगा तो पुलिस मार पीट कर किसी भी तरह से उस पर्सन से ये कबूल करने को कहेगी और ऐसा हो सकता है कि इनोसेंट उस क्राइम के लिए उस ऑफेंस के लिए पनिश्ड हो जाए इसलिए अगर पुलिस के सामने कोई सेल्फ इंक्रिमिनेशन करता है तो वो एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होगा ये तीन राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं हैंड पर्सन को सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर राइट टू फ्रीडम We will discuss next, right? In our next class. So, enough for today. Thank you and have a nice day.